दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्कॉलरशिप अलर्ट के सीरीज में आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम हंगरी स्कॉलरशिप्स जो हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो सबसे पहले ये जो हंगरियन गवर्नमेंट की ये जो स्कॉलरशिप्स हैं उन्होंने अनाउंस की हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें उन्होंने सेशन 21-22 के लिए भी कहा हुआ है, और करंट सेशन में भी जो है वो स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ये जब आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको तफसीलन इसके बारे में मालूमात मिल जाएंगी। तो ये इसकी जो डिटेल्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ये जो हंगरी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं, वैसे तो उन्होंने पूरी वर्ल्ड में मल्टीपल कंट्रीज हैं उनको ये उन्होंने ऑफर किए हुए हैं, लेकिन बिलखसूस पाकिस्तान को जो है इन्होंने ऑफर किए हैं ये, और थ्रू हेक यानी हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके तआवुन से ये स्कॉलरशिप्स उन्होंने अनाउंस की हैं पाकिस्तान में। और ये सेशन 21 एंड 22 जो है इन सेशंस के लिए हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स जो हैं वो मल्टीपल डिग्री लेवल्स के लिए उन्होंने ऑफर की हुई हैं, जिनमें बैचलर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, और मास्टर्स के लिए भी, और इसी तरह पीएचडी के लिए भी। तो इसकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी आज़ाद इन जम्मू कश्मीर के जो यानी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास नेशनलिटी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये ड्यूरेशन जो है वो नॉर्मली 2 to 4 years तक है, और ये 1 year भी है। कुछ ऐसे कोर्सेज भी हैं जो स्पेशली फॉर 1 year हैं, तो ये यानी ओवरऑल 1 to 4 years है। नॉर्मली ये 2 to 4 years का टेन्योर है। इसकी एप्लीकेशन डेडलाइंस जो हैं वो 24 नवंबर से शुरू हैं, और लास्ट डेट जो इनकी है ये 15th of January यानी 15 जनवरी 2021 तक ये चलेंगे। कोर्सेज ड्यूरेशन जिस तरह आपको पहले से बताया कि ये वेरी कर रही है, डिग्री के बेस पे है, या जो फील्ड है, या जो आप जिस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो उस हिसाब से ये होगा। और नॉर्मली जो इसका दौरानिया है वो 2 to 4 years मैक्सिमम होगा। और स्कॉलरशिप ड्यूरेशन में आमतौर पर जो मास्टर्स और पीएचडी के लिए जो स्टूडेंट्स जाएंगे उनके लिए मैक्सिमम 8 semesters जो हैं वो लाजमी होंगे, और बैचलर्स के लिए जो है नंबर ऑफ सेमेस्टर्स जो है वो वेरी कर सकता है, डिपेंड करेगा कि टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है। और इसी तरह से कुछ मास्टर्स के जो यानी सब्जेक्ट्स होंगे उनमें भी जो ये टाइम ड्यूरेशन है वो वेरी कर सकती है। तो टाइम ड्यूरेशन की इम्पॉर्टेंस ये है क्योंकि ये आप स्कॉलरशिप के लिए जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप क्योंकि अवेल करनी होती है, तो उसमें आपने स्पेसिफिक टाइम में अपनी डिग्री जो है वो मुकम्मल करनी होती है, और अगर आप नहीं करते तो फिर आपको एक्स्ट्रा जो आप टाइम अगर ले रहे होते हैं तो मे भी आपको स्कॉलरशिप उसके लिए ना दी जाए, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसकी एलिजिबिलिटी एंड एज लिमिट जो है बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए ये आप जो है कहा जाता है कि मस्ट बी 18 टू 20 इयर्स ऑफ एज जो अप्लाई कर रहे हैं। पीएचडीज के लिए जो ये एज है वो 35 इयर्स है। अलबत्ता ऐसे प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं तो उनके लिए ये जो एज है वो 40 इयर्स तक जो है वो एक्सटेंडेड है। इसी तरह से क्वालिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट्स हैं बैचलर्स के लिए, तो एफएससी या ए लेवल या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी है। अगर मास्टर्स में अप्लाई करने वाले हैं तो उनके लिए जो है 16 इयर्स बैचलर्स या इक्विवेलेंट डिग्री लाजमी है, और इसी तरह से पीएचडी प्रोग्राम के लिए जो है वो 18 इयर्स मास्टर्स या इक्विवेलेंट माने एमफिल वगैरह जो है वो लाजमी है। आइलेट्स एंड टॉफिल जो है वो लेंगे, लेकिन वो हर कोर्स के लिए नहीं लेंगे। ये कुछ कोर्सेज होंगे या कुछ लेवल्स होंगी जिन पर ये एप्लीकेबल होगा, और बिलखसूस अगर आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं तो मे बी आपसे ये आइलेट्स एंड टॉफिल जो है वो रिक्वायरमेंट मांग सकते हैं, स्पेशली फॉर बैचलर्स एंड मास्टर्स लेवल। तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा, यानी आपको यहाँ से एक चेकअप सर्टिफिकेट जो है वो शो करना होगा कि आपको कोई क्रॉनिक टाइप की डिजीज या कोई सीवियर डिजीज जो है वो नहीं है। इसके अलावा जो इसकी फाइनेंशियल कवरेज एंड बेनिफिट्स हैं, तो हंगरियन गवर्नमेंट जो है वो आपके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस जो है वो बियर करेगी, साथ में ट्यूशन फी भी। और ये जो मेडिकल एक्सपेंसेस होंगे वो जो हंगरियन गवर्नमेंट की जो लोकल वहाँ की जो उनके लॉज हैं उसके अकॉर्डिंगली ये आपके मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होंगे।
इसी तरह से मंथली स्टिपेंड भी आपको मिलेगा, जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस होंगे या जो लोकल आप ट्रेवलिंग करते हैं वो भी इसमें साथ में होंगे। तो बैचलर्स के लिए जो है वो यानी जो हंगरी की जो करेंसी है उसमें आपको वो पैसे दिए जाएंगे और ये सालाना बेसिस पे होंगे। तो 43,700 रुपये बैचलर्स के लिए हैं, ये जो लोकल करेंसी होगी उसमें आपको मिलेंगे, ये कोई यूरो या कोई पाउंड या कोई डॉलर्स नहीं है। इसी तरह से मास्टर्स के लिए भी सेम ही है। और उसके अलावा जो यानी वो स्टूडेंट्स जो अगर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में फेल हो जाते हैं तो फिर ये अमाउंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर आपको ये 30,000 जो है वो मिलेंगे लोकल करेंसी में। पीएचडीज जो हैं उनके लिए ये अमाउंट जो है वो हैंडसम है, यानी वो आपको 1,40,000 लोकल करेंसी में आपको पे करेंगे आपके फर्स्ट फेज के लिए, यानी आपका जो पहला सेमेस्टर होगा या जो आपका पहला साल होगा, और फिर अगले सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में जो है ये अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा और वो आपको 1,80,000 रुपये जो है वो पे करेंगे सेकंड फेज के लिए। अब इसको आपने किस तरह से अप्लाई करना है, ये है कि आपने जो हायर एजुकेशन कमीशन का वेब पोर्टल है वहाँ पे जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आपने जो ये हंगरी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेब पोर्टल है उस पर भी आपने अप्लाई करना है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों पे ऑनलाइन अप्लाई करना लाजमी है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपने हेक के थ्रू जो है अप्लाई करना है, तो हेक का एक ऑनलाइन चालान फॉर्म है जिसकी जो फ़ी है वो 500 रुपीज़ है, वो आपने पे करनी है, और उसके बाद फिर आप जाके अपनी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे लिखेंगे, और देन आपने हंगरी गवर्नमेंट का जो वेब पोर्टल है वहाँ पे जाके आपने अपना स्पेसिफिक कोर्स और अपनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पे आपने जो है वो मेंशन करनी है, साथ ही जो बेसिक आपकी जो यानी डेटा होगी वो उन्हें चाहिए होगी, जिसमें आपकी प्रोफेशनल भी है और इसके अलावा पर्सनल भी है, साथ में एकेडमिक भी है। तो ये आपको फर्दर डिटेल्स जो हैं वो हेक वेब पोर्टल से ही मिल जाएंगी, वहाँ पे जो हंगरी गवर्नमेंट की लिंक है वो डायरेक्टली दी हुई है, तो आप वहाँ से जाके अपने मर्जी की यूनिवर्सिटी और अपने मर्जी का कोर्स जो है और उसकी जो लेवल है वो आप वहाँ से जाके तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, आई होप कि आपको जो ये जो हंगरी गवर्नमेंट जो स्कॉलरशिप्स अनाउंस हुई हैं ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर यूटिलाइज करना चाहेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा सेशन जो है वो ख़त्म होता है, अगले सेशन तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। सो टिल देन इट्स गुड बाय, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में अपने कीमती कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह रखें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे सेशन में, तो तब तक के लिए इट्स गुड बाय एंड हैव अ नाइस टाइम।